वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बना दिए हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। और ये कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन हमारे पास में है, ठीक है। एक गार्डन है रेक्टेंगुलर गार्डन, दिस वन। और इसका जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसका जो गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर होगा उसका हाफ जो होगा, ठीक है, whose length is 4 more than its width is 36 meter। तो इनडायरेक्टली दे दिया है कि पेरीमीटर का हाफ करो और कितना आ जाएगा आपका 36 मीटर आएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो आपको क्या करना है, गार्डन के डायमेंशन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जैसे गार्डन हमारे पास में है, मान लेते हैं इसकी लेंथ होगी आपकी x, ठीक है, और इसकी विथ कितनी होगी है y होगी, ठीक है। दिस इज, तो यहाँ पर लिखिए लेट जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द गार्डन ना, लेंथ ऑफ द गार्डन ये कितनी होगी आपकी x मीटर, ठीक है, ये है आपकी x मीटर। एंड नेक्स्ट वन इज विथ कितनी हो जाएगी इसकी ना, विथ, विथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y मीटर, विथ होगी आपकी y मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ है इतनी, दैट इज x, एंड विथ होगी आपकी y मीटर, ये इसने कहा है। अगेन ये हो गया आपका x मीटर ना, x मीटर एंड y मीटर। इसने कहा इसका पेरीमीटर निकालते हैं। चलिए इसका पेरीमीटर तो वी नो ना, तो इसका जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का उसको हम लिखते हैं, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, इन्होंने, हाँ ये पेरीमीटर है। अब इसने कहा है पेरीमीटर का हाफ करना, ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ना, 1/2 ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा 36, ऐसा इन्होंने दिया है। तो इसमें रख लीजिए, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई ओवर कितना आएगा 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 36, ठीक है। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो तो कितना मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x प्लस वाई इज इक्वल 36। तो हाँ y के फॉर्मूले में लिखते हैं y इज इक्वल टू कितना आएगा 36 माइनस x। तो हमारे पास में एक ही इक्वेशन आ गई, ठीक है, दिस वन, एक इक्वेशन ये बन रही है। अगेन दूसरी इक्वेशन इसने कहा है फाइंड द, ओके, हूज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। जो इसकी लेंथ होगी ना, जो इसकी लेंथ होने वाली है, लेंथ इज 4 मोर देन ना, 4 यहां पर लिखा है, लेंथ इज 4 मोर देन विथ ना। तो इसकी जो विथ से जो है लेंथ 4 ज्यादा होगी, मोर का मतलब क्या करना है, ऐड करना है। तो विथ कितना है, विथ होगी इसकी वाई, और लेंथ कितनी है एक्स, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, दैट इज लेंथ, लेंथ ना, लेंथ इज 4 मोर देन विथ। तो लेंथ है एक्स और क्या हो जाएगा विथ से ये 4 ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, 4 प्लस वाई, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनली अब हमको इसको ना ग्राफिकली शो करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास में है, और इसको सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गए, हाँ क्लियरली देख पा रहे ना, ओके ठीक है। सो कोई हमारे पास में गार्डन है रेक्टेंगुलर गार्डन, उसकी लेंथ हमने मान दी है एक्स मीटर, उसकी विड्थ कितनी है वाई मीटर, इसका पेरीमीटर निकाल दो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और क्वेश्चन ने कहा है पेरीमीटर का जब हाफ करोगे वो कितना आएगा 36, तो पेरीमीटर 1/2 ना, 1/2 ये आ गया, और पेरीमीटर ये है, ये हमने वैल्यू रख दी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस वाई इक्वल कितना आ गया 36, दैट इज वाई इक्वल 36 माइनस एक्स, एक इक्वेशन बनी। दूसरी ओर ये कहा है जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये हमको वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो आगे चलें, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। सो किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, या ग्राफिकल मेथड से हमको इसको निकालना है। हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका, पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये तैयार है। और दूसरी इक्वेशन ना, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है। किसी फॉर्मेट में आप वैल्यू रख सकते हैं, किसी में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके लिए कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा क्या करेंगे, हाँ तो x की वैल्यू रखेंगे, y निकाल लेंगे, x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकाल दिया जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ी वैल्यू हम इसमें बना लेते हैं, तो हम इसमें रख लेते हैं जैसे 10 रख लो ना, लेट x इज इक्वल टू कितना रखो 10 रख दो, ठीक है, 20 रख दो, कुछ इस तरीके से बना दो ना। तो x इज इक्वल टू हमने रख दिया है 10, तो देखो y कितना आएगा ना, y इज इक्वल टू 36 माइनस 10 कितना हो जाएगा 26, ये बनेगा आपका 26, ठीक हो गया। चलते हैं अब x इज इक्वल टू कितना रखते हैं, x इज इक्वल टू रख लो 20 ना 20, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 36 माइनस कितना हो जाएगा 20, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, सो y इज इक्वल टू बन गया आपका 16 ना।
y इक्वल टू 16, 20 रखने पर कितना आ गया 16 आ गया, ये लेंथ और ये ब्रेथ हो गया। ओके एक वैल्यू और चुन लो, ठीक है कितना रखेंगे कुछ डिवाइड वाला ना, जैसे x इज इक्वल टू रख लो 12 ना, 12 रखने पर आएगा ठीक है कितना बनेगा, हाँ 10, 20, 30, हाँ 30 भी रखा जा सकता है। चलिए ऐसी वैल्यू रख लेते हैं, x इज इक्वल 30 रख लेते हैं, 30 हो गया, चलिए लेंथ होगी 30, तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 6 ना, तो y इज इक्वल कितना आएगा 6, तो y इज इक्वल टू 36 माइनस कितना 30 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है ये वैल्यू आपको मिलती है 6, 10, 20, 30 ये हमने वैल्यू चूज की है। तो यहाँ से आते हैं अगले पोर्शन पर, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ को y की वैल्यू चूज करनी है, हाँ ठीक है x से y किसी भी फॉर्मेट में आप निकाल सकते हो, तो x के फॉर्मेट में रखो इसको, चलिए x और y के फॉर्मेट में इसको रख लेते हैं, तो ऐसी वैल्यू इसमें रखिए ठीक है। सो इसमें वैल्यू चूज करते हैं, जैसे ठीक है कुछ ऐसी वैल्यू इसमें चूज कर ली जाए, हाँ कितना रखें जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से भी हम इसमें बना सकते हैं। चलिए हमने 10 रख दिया ना, y की वैल्यू कितना रख दो 10, y इज इक्वल टू रख लो 10, y इज इक्वल टू 10 रखोगे तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 10, तो x इज इक्वल टू 4 + 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 14 ना, तो ये बनेगा 40। x या y किसी फॉर्मूले में आप इसको वैल्यू को पुट कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट अब इसको रख लो, y कितना रखोगे फिर कोई यहाँ से वैल्यू, हम जैसे y इज इक्वल टू यहाँ 16 आया ना, चलो इसको रखते हैं, चलिए y इज इक्वल कितना आ गया 16, तो हमने y इज इक्वल टू 16 रख दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 + 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, हाँ तो ये बनेगा आपका कितना आएगा 20, तो ये रखने पर कितना आ गया 20, एक नंबर कॉमन मिल गया, ये हमारी वैल्यू रहेगी। तो चलते हैं y इज इक्वल टू 10 रखा 16 रखा 20 रख दो ना, y इज इक्वल टू रख लो तुम 20, y कितना है 20 है, तो y अगर 20 हो गया तो x कितना हो जाएगा 24, x कितना हो जाएगा 24 ना, तो x इज इक्वल टू 4 + 20 विच इज कितना आएगा 24, ये बनेगा आपका 24, क्लियर है, हाँ तो ठीक है तो इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है अब इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है तो हमको वैल्यू तो मिल रही है वैल्यू ना, एक कॉमन पॉइंट विच इज कितना 20, 16 ये वाली वैल्यू हमको मिल रही है। ठीक है आप इसको पॉज कीजिए, ठीक है फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसको ग्राफिकली बनाते हैं, ग्राफिकली तो x में वैल्यू कितनी जननी है, x की जो हाईएस्ट वैल्यू है 10, 20, 30 तक, ठीक है हाँ 30 तक लेना है, 10, 10 का हम इसमें गैप कर लेते हैं। ठीक है ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा इस पर, हाँ x में रख लो 10, 20, 30, 40, 50 ना, 10, 20, 30 इस तरीके से 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया ना, और ये हो गया 10, ये है 20, ये हो गया आपका 30 ना, ये हो गया माइनस 10, ये हो गया आपका माइनस 20, माइनस 30 इस तरीके से, और माइनस 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से बना लो, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, ऐसा हमने बना दिया। ठीक है तो x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू है 10, x की वैल्यू कितनी है 10, तो y कितना हो गया 26, तो ये है 20 और 20 से लगभग ये आपको मिलेगा ना, ये बनेगा आपका, ये बन गया आपका पॉइंट 10, 26 और इसको नाम दे दो ए, ठीक है पहला पॉइंट 20, 16 x है 20 और y कितना है 16 ना, 10 से लगभग इधर पर जाएगा ना 16 इधर पर मान लो। ठीक है ये बन गया आपका 20, 16 ना दूसरी वैल्यू, इसका नाम है बी 30, 6 ये 30 और 5 इधर पर आ जाएगा, इधर पर ये बन गया आपका सी पॉइंट और 30, 6 ये पॉइंट आ गया। ठीक है तो इनको हम मिला देते हैं ग्राफ में, अगर आप इसको मिलाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी ना, बोर्ड में लेफ्ट राइट हो सकता है। ओके अच्छा इसको जब हमने बनाया ना, ये किसका है y इज इक्वल टू, ये ऐसा बना दो इसको x + y ना, x + y इज इक्वल टू कितना था 36 पहली इक्वेशन का ग्राफ है, आगे चले। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट, हाँ x इज इक्वल टू 14, 10 और 14 लगभग यहाँ होगा, और y इज इक्वल टू कितना है 10, तो इधर पर आ गया ना 10 और 14 का ये वैल्यू मिल गई, नहीं कितना है x इज इक्वल टू है 14, y इज इक्वल टू है 10, हाँ ठीक है दिस वन ये वैल्यू मिली 14, 10, 20, 16 ये है 20 और ये हो गया 16, ये दूसरा पॉइंट तो कॉमन आ गया। ठीक है 20, 16 ये वाला पॉइंट आ गया, 24, 20 यहाँ से 24, 20 इधर पर यहाँ पर को बनेगा। ठीक है ऐसा ग्राफ,
24, 20, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ए बी सी, इसको हमने नाम दिया डी, तो ये है 14, 10 का ना, 14, 10 का, ये कितना हो गया, लास्ट वाला है 24, ए बी सी डी ई, इसको नाम देते हैं ई, और ये हो गया आपका 24, 20 का ग्राफ, दिस वन, ठीक है। ये ग्राफ बना किससे, ये ग्राफ बना है आपका विच इज एक्स इज इक्वल टू 4 + y का ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है और ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो देखिए कौन सा पॉइंट कॉमन आया, ये आ गया आपका 20, 16, और x का मेजरमेंट क्या है, लेंथ है, x क्या है, लेंथ है, और y क्या है, ब्रेथ। सो इसकी जो हमको लेंथ मिल गई ना, लेंथ हो गया आपका x जो कि है कितना 20, ये हो गया आपका 20, ठीक है। दूसरा है आपका विथ, हमने यूज किया था विथ के लिए क्या यूज किया, y, और y कितना आया आपका 16, और कितना आया 16, ऐसे तो क्या था, जो लेंथ होगा ना, लेंथ जो होगा वो विथ से 4 ज्यादा होगा, ठीक है। तो लेंथ आ गई 20, तो विथ कितनी आ गई 16, या कहो विथ है 16 तो लेंथ कितनी होगी 20, ओके। मेजरमेंट हमने जो यूज किया एक्स और वाई एक्सिस पर, जो हमारा मेजरमेंट था ना एक्स और वाई एक्सिस पर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना था, हाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो हमने यहाँ 1 माना है, तो उसको हम क्या लेते हैं 10 मीटर ऐसा हमने लिया ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट, जो भी कर लो, अगर लेंथ उसको मीटर या सेंटीमीटर में जो भी यूज किया होगा 10 यूनिट कह देते हैं, ठीक है। ये बन गया यूनिट, ये आ गया आपका यूनिट, इस तरीके से ये हमारा मेजरमेंट करने का तरीका था। 1 सेंटीमीटर को हमने 10 यूनिट के इक्वल माना हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना, ओके क्लियर है, ठीक है। तो आप इसको बनाइए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते थे, बट इसने हमसे कहा था कि आप इसको क्या कीजिए, ग्राफिकली बनाइए, ठीक है। सो हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है, थैंक यू।